हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आज आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज की रेसिपी है चुरमुर की। अगर आपने चुरमुर नहीं खाया है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर खाया है तो फिर तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चटपटा रेसिपी है जिसको बनाना बिल्कुल ही आसान है। ये कोलकाता की हर पानी पूरी वाला के ठेले में मिल जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, और इसे बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है ये पहले देख लेंगे हम लोग। उबला हुआ आलू 3 पीस, पापड़ी 10 पीस, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, हरा मिर्च 2 पीस, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 टीस्पून, इमली का पल्प 4 टीस्पून, प्याज 1 पीस, उबला हुआ मटर 1 बॉल, प्लेन सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और काला नमक। तो सबसे पहले एक बड़ा बोल लेंगे, इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू। आलू को इतना बड़ा साइज में काट लें। उसके बाद डाल देंगे उबला हुआ मटर, प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, हरी मिर्ची डालेंगे बारीक कटा हुआ, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, काला नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे और इमली का पल्प डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह करके। ये देखिए मिक्स कर लिया। अब पापड़ी को हाथ से क्रश करेंगे और इसमें डालेंगे। अब पापड़ी को भी मिक्स करेंगे अच्छे से। अब धनिया की पत्ती डालेंगे लास्ट में, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए मैंने इसे दूसरे बोल में शिफ्ट कर दिया है। आप इसमें अपने हिसाब से खट्टा तीखा नमक एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा।